ये क्या, अब तक आए क्यों नहीं? क्या हुआ होगा? हेमा, बहुत भूख लग रही है। माँ, 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 कौन है? बेटी देवकी, तू यहाँ क्या कर रही है? भूख लग रही है माँ। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है मेरी बेटी पर। तो रुक जा बेटी, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। शर्म नहीं आ रही है तुझे? खाना मांगने के लिए चली आई, इसे कोई धर्मशाला समझ रखा है? ये पेट से है जी, भूख लगी है इसे। एक निवाला खाने देंगे तो क्या जाएगा हमारा? रास्ते पर रहने वालों को खाना दोगी तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, और ऐसे लोगों को पानी भी दोगी ना तो पाप मिलेगा तुम्हें। खुद की बेटी मत समझिए, पर कम से कम भिखारी समझ कर तो एक निवाला दे दीजिए। चुप कर, भूख लग रही है पापा। चुप कर, एक पल के लिए भी मेरे सामने खड़ी रही ना तो मैं क्या करूँगा मुझे पता नहीं। चलो जाओ यहाँ से। आपकी बेटी माँ बनने वाली है, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है और आप उसे एक निवाला खाना नहीं दे सकते। अब और कितने पाप करेंगे आप? किसने पाप किया और कौन भुगत रहा है? गलत किया है तो भुगत रही है, अनुभव कर रही है, करना दो अनुभव। तुम अंदर चलो। खाने के लिए कुछ लेकर आए हैं क्या? आपसे ही पूछ रही हूँ, खाने के लिए कुछ लाए हैं क्या? बस भी करो, जब देखो ये नहीं लाए वो नहीं लाए दिमाग खाती रहती हो मेरा। क्यों, एक दिन खाओगी नहीं तो मर जाओगी क्या? छे, क्या जिंदगी है ये? पहले सब कुछ ठीक था, अब सब खराब हो गया है। मतलब इतने दुख मेरे कारण ही आए हैं क्या? नहीं, कारण मैं हूँ। अब तो खुश हो? तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? मैं अपने घर में रानी की तरह जीती थी, यहाँ एक वक्त के खाने के लिए भी भीख मांगना पड़ता है। ऑटो वाले के साथ जिंदगी ऐसी ही होती है, दुख भी मिलेगा और आंसू भी मिलेंगे। मैं पेट से हूँ, भूख लग रही है ये कहा है? तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास पैसे नहीं है, धक्का मार के ऑटो ला रहा हूँ, मर जाऊं क्या अब? हाँ? नहीं, मैं खुद ही मर जाऊंगी। ये क्या कर रहे हो? मुझे
तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। जब तक तुम जिंदा हो तब तक मैं भी जिंदा हूं देवकी। मुझे माफ कर दो, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। आई लव यू। कुछ खाया है क्या? नहीं, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। रुको रुको, तुमने खाना खाया? ये खाना कहाँ से आया देवकी? सुनो भाई, येलो डीजल। सुनो भाई, मैंने तुम्हें रात को ऑटो को धक्का मार कर आते हुए देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। एक फ्रेंड होकर मैंने भी औरों की तरह सोचा। सॉरी भाई। कोई बात नहीं यार, सॉरी की क्या बात है इसमें? गांव के लोग भले ही मुझसे बात नहीं कर रहे, पर तूने तो सोचा। ठीक है भाई, चलता हूं मैं। ऑटो को क्या हुआ? अरे वो मैं बाद में बताऊंगा तुमको इस बारे में। जो एक सहारा था वो भी चला गया, अब क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो, तुम बस जल्दी से अच्छी हो जाओ। अब तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ डॉक्टर। तीन साल पहले तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा था तुम्हें पता? कोई आइडिया है तुम्हें? क्योंकि तुम्हारी पिछली हेल्थ कंडीशन के बारे में जानना होगा। खांसी, सांस लेने में मुश्किल होना, खांसी ज्यादा होना, ऐसा होता है क्या? डॉक्टर, दिल में दर्द भी होता है, रात को खांसी ज्यादा होती है, जान चली जाएगी ऐसा लगता है डॉक्टर, कभी कभी ब्लड भी आता है। अभी तो खाना भी खाने का मन नहीं करता है। सिस्टर, वो जरा हनी की बॉटल लेके। अपनी जीभ बाहर निकालो।
टेस्ट कैसा लग रहा है? टेस्ट पता नहीं चल रहा है डॉक्टर। क्या हुआ डॉक्टर, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रॉब्लम के बारे में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हैं, एक बार चलकर उन्हें दिखाते हैं। ठीक है डॉक्टर। चलो। सर, मैंने जो सीओपीडी पेशेंट के बारे में बताया था, देवकी। बैठिए। रिपोर्ट सर। अब कैसी तबीयत है? ठीक है सर। आपके घर में कोई टीबी पेशेंट है क्या? नहीं सर। आपके घर में कोई सिगरेट पीता है? मेरे पापा पीते हैं डॉक्टर। अच्छा, कब से वो सिगरेट पी रहे हैं? मेरे बचपन से ही पी रहे हैं सर। आपके पति क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। वो भी सिगरेट पीते हैं क्या? हाँ डॉक्टर। इस सिगरेट नाम की बुराई के कारण आज तुम्हारी ये स्थिति है। सिगरेट के धुएं की वजह से सीओपीडी मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मरी डिजीज हुई है तुमको। उसकी वजह से तुम्हारी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसकी भी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। अगर शॉर्ट में कहूं तो तुम्हारे लंग्स खराब हो चुके हैं। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? मैं जो कह रहा हूं वो सच है। एक आदमी जब सिगरेट पीता है तो उसके आसपास के लोग भी धुआं खींचते हैं, उन्हें ही ये बीमारी होती है। बचपन से तुम्हारे पिता के पास, उसके बाद तुम्हारे पति के पास, तुमने अनजाने में धुआं अंदर ले लिया। दूसरे शब्दों में कहूं तो तुम पर यह स्थिति आने के लिए वो दोनों ही जिम्मेदार हैं। मेरी एक मदद करेंगे क्या? बोलो बेटा। ये बीमारी मेरे पति के कारण से मुझे हुई है। मेरे पति को बताना मत। क्या बात कर रही हो? मैं एक डॉक्टर हूँ। बीमारी किस कारण हुई है ये बताना मेरा फर्ज है। प्लीज डॉक्टर। प्लीज डॉक्टर। अरे ये सब क्या है? आपके पैर पड़ती हूँ डॉक्टर। मेरे पति को बचाने के लिए इससे ज्यादा मेरे पास और कुछ नहीं है। तुम पहले उठ जाओ बेटा। भले ही मुझे कुछ भी हो जाए कोई परवाह नहीं डॉक्टर, वो जिंदा रहना चाहिए, मेरे आंखों के सामने रहने चाहिए। ठीक है बेटा, पहले तुम बैठ जाओ। देखो अब ये रोना बंद करो। तुम्हारी जो बीपी की कंडीशन है उसकी वजह से कुछ नहीं हो सकता। प्लीज कंट्रोल। सिस्टर, इनके हस्बैंड को बुलाइए। ये सर। देखो विजय, तुम्हारी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है। वो रेयर होने वाले सीओपीडी नाम की बीमारी से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। अभी फाइनल स्टेज में है। नॉर्मल हालत में लाने के लिए 10 से 15 लाख का खर्चा होगा। बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है। पूरी तरह डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा। तुम जल्दी से अमाउंट अरेंज करो, इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करो, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। मैं
मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ डॉक्टर, आप मेरी पत्नी को बचा लीजिए। अरे बाहर निकलो, दो जोड़ी कपड़ों के साथ हमें भगा दिया था, आज हम दोनों मर रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे रे यहाँ पर, क्या हुआ विजय तुझे? अरे प्रेसिडेंट जी, आज तो खुश हो गए ना तुम? क्यों ऐसी बात क्यों कर रहा है? क्यों, गांव से जिसे निकाल दिया था वो यहाँ आके क्या कर रहा है यही सोच रहे हो? क्या है ये सब? क्या पाप किया था हमने? मैं इस गाँव में पैदा हुआ, तुम्हारे बीच खेल कूद कर बड़ा हुआ। अरे पीके हल्ला क्यों कर रहा है? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग खराब हो गया है क्या इसका? तुम सब तो मेरे अपने थे ना, और आज मैं कहीं का नहीं रह गया। क्या भाई ऐसे शराब क्यों पी रहा है? बेटा मेरी बीवी बहुत बीमार है। क्या हुआ विजय? मेरी बीवी बहुत बीमार है पापा, वो बच नहीं पाएगी, उसे बचा लीजिए, उसे बचा लीजिए। मैंने उसके इलाज के लिए सब कुछ किया। अरे करनाम जी, गलती मैंने की थी, उसकी सजा मेरी पत्नी को क्यों मिल रही है? उसे बचा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अरे ठीक है ठीक है, पहले तू दारू पीना बंद कर। अरे उठ उठ उठ, उठ कुछ करते हैं, रो मत। हे विजय, अरे पहले उसे रोको। अरे विजय, अरे कोई रोको इसे, पता नहीं कहाँ जा रहा है ये। सुनिए करनम जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए, इस समस्या का हल आप ही निकालिए। अरे चुप हो जाओ तुम लोग, रुक जाइए, मत रो जी। करनम जी, गांव के बड़े होने के नाते गांव में रहने वाले सारे बच्चे हमारे बच्चों की तरह हैं। अपने बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी हम पर है, हम जल्दी से बड़े साहब से मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे, क्या कहते हैं गोपाल? हाँ। रोइए मत, मैं जाके बात करता हूँ। चलिए चलिए माँ जी। पांच मिनट में डॉक्टर आ जाएंगे देवकी। आखिर बात बैठो बेटी, बैठो बैठो, ठीक है मेरे साथ आइए। सब क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिए पापा। तुझे कुछ नहीं होगा बेटी। हिम्मत रखो बेटी, आपको देखे बिना ही मर जाऊंगी ऐसा लगा था। ऐसे मत बोल बेटी, तेरे बिना हम कैसे जिएंगे बेटी, कैसे जिएंगे? इससे बड़े हॉस्पिटल में ले जाएंगे तुझे, जितना भी खर्चा हो जाए कोई परवाह नहीं है बेटी।